can see the chapter trial balance of class 11th of accounts. So this is very easiest chapter. So let's start with this. So trial balance होता क्या है? Trial balance एक statement है जिसके अंदर दो columns होते हैं, एक debit का और एक credit का. और debit side होनी चाहिए credit side के equal. So debit side should be equal to the credit side. You can say that debit side which should be equal to the क्रेडिट साइड. सो डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल होनी चाहिए. इसलिए हम उससे लेजर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं. और ये किसके लिए होता है? ताकि हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बुक के मतलब ट्रायल बैलेंस से हम ये पता कर सकते हैं ना हमारी डेबिट साइड क्रेडिट साइड अगर इक्वल होगी तभी हमारी ट्रायल बैलेंस सही है, अदरवाइज हमारी ट्रायल बैलेंस बिल्कुल गलत है. ओके सो आपको इस बात का ध्यान रखना है. सो ट्रायल बैलेंस की मदद से हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हम इससे डेफिनेशन बना सकते हैं. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस और व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? सो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड द क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ द लेजर अकाउंट्स टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स. ओके तो आपको ये जो फंडामेंटल्स है ये आपको याद रखना है कि डेबिट साइड है हमेशा क्रेडिट साइड के इक्वल है. सो ये हमेशा इक्वल होनी चाहिए. कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि जिस साइड भी डिफरेंस आता है हम उस साइड सस्पेंस अकाउंट भी लिखते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे. लेट्स सी द ट्रायल बैलेंस फर्स्ट. सो हमारा एक प्रोसेस निकल के आता है कि जर्नल से हम लेजर में एंट्रीज को पोस्ट करेंगे और उसके बाद लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे. हम चेक करेंगे कि हमारी ट्रायल बैलेंस सही है या फिर गलत, क्योंकि डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड के इक्वल होनी चाहिए. इसी तरह अगर टोटल अमाउंट है जो हमारी डेबिट साइड, अगर हमारा बैलेंस है वो डेबिट साइड ज्यादा आता है तो उसे हम कौन सा बोलेंगे? डेबिट बैलेंस. सो इट वुड बी कॉल्ड एज डेबिट बैलेंस. एंड इसी तरह अगर हमारा क्रेडिट की तरफ बैलेंस ज्यादा आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस. सो ये जो आपको याद रखना है. अब ट्रायल बैलेंस है उसमें कुछ एरर्स तो हमारी करेक्ट हो जाती हैं बट कुछ एरर्स है वो रह जाती हैं. सो ऐसे टू एरर्स हैं जो कि रह जाती हैं, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड एरर ऑफ कंपेंसेटिंग एरर्स. अब ये हमारी टू एरर्स हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड एरर ऑफ कंपेंसेटिंग एरर्स, दैट वी विल डिस्कस इन द डिटेल इन चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. बट टिल दैट यू विल आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ट्रायल बैलेंस में कुछ एरर्स तो हमारी करेक्ट हो जाती है बट कुछ रह जाती है. उनमें से ये टू एरर्स हैं जो कि रह जाती हैं, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कंपेंसेटिंग एरर्स. So these are the two errors. Okay, so you should know about this. वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि एरर ऑफ प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं कि हमने क्या कर दिया कि रेवेन्यू एक्सपेंस को हमने कैपिटल एक्सपेंस लिख दिया या फिर हमने कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस लिख दिया. तो ये सब एरर ऑफ प्रिंसिपल में होता है. एरर ऑफ कंपेंसेटिंग, सो इसमें क्या होता है कि एरर ऑफ वन इफेक्ट इज नलीफाइड बाय द अनदर एरर. सो एक इफेक्ट नलीफाई कर देता है दूसरे एरर्स को. सो ये होता है एरर ऑफ कंपेंसेटिंग एरर्स में. सो ये आपको याद होना चाहिए. We will discuss this in the detail in chapter rectification of errors. So trial balance में ये जो errors हैं जो कि रह जाती हैं. Let's see the features of the trial balance. So यहाँ पे features क्या हैं trial balance के कि यहाँ पे हम balance लिखते हैं ledger accounts का और cash book का. So ये एक list है of balances of the ledger accounts and the cash book. So इसको हम कोई भी date में prepare कर सकते हैं, इसका कोई specific time नहीं है. सो ठीक है, जब भी हमने अकाउंट्स बैलेंस करने हो तब हम कभी भी ये ट्रायल बैलेंस है प्रिपेयर कर सकते हैं. सो ये हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को भी वेरीफाई करता है. ओके सो हम डेफिनेशन में ये देख ही चुके हैं. सो यहाँ पे कुछ एरर्स है वो रह जाती हैं, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपेंसेटिंग एरर्स. सो ये आप लिख सकते हो अपने आप बनाकर. उसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट आता है कि आपका प्रिपरेशन आपका हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा इन प्रिपेयर करने में. किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट में. सो व्हाट इज P&L अकाउंट हियर? दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो ओके सो दिस इज हेल्पफुल इन द ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सो ये भी हम आगे पढ़ेंगे. हमारा एक चैप्टर है एडजस्टमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो उसमें ये ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट आपको बनाना होगा. सो दीज आर द फाइव फीचर्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस. सो लेट्स move forward. So there can be some advantages and sir there can be some disadvantages. आपको एक बात याद रखनी है कि जो वो हमने errors की थी, error of principal and compensating errors, जो कि इसका disadvantage भी है कि ये उनको detect नहीं करता. ऐसी और भी बहुत सारी errors हैं जो जिनको trial balance detect नहीं कर पाता. But जो हमारे जो rectification of errors में हमारी
चार मेन एरर्स आती हैं, उनमें से हमारे जो टू एरर्स हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल कंपेंसेटिंग एरर्स, वो भी ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता. सो लेट्स नो अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सो एडवांटेजेस यहाँ पे क्या है, इसे हम अर्थमेटिकल करेक्टनेस है वो अच्छे से पता कर सकते हैं, या राइट, जो कि हमारा एक फीचर भी था. उसके बाद हमारा नेक्स्ट एडवांटेज आता है हेल्प इन प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स. तो ये हमारे फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करने में मदद करता है, क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रायल बैलेंस की मदद से ही प्रिपेयर की जाती हैं. ओके, सो ये एक समरी भी है हर अकाउंट्स की, क्योंकि इससे लेजर अकाउंट्स हम इजिली लेजर अकाउंट्स की मदद से हमने ट्रायल बैलेंस बनाई थी. सो ये बहुत एक समरी है एक अकाउंट की, या राइट. सो लेट्स नो अबाउट द फोर्थ पॉइंट, दैट इज टू हेल्प इन लोकेटिंग द एरर्स. सो ऑब्वियसली ये हमें एरर्स जानने में मदद करते हैं कि कहाँ कहाँ पे एरर्स आई हैं, ताकि हम उसे ठीक कर पाएं. सो ट्रायल बैलेंस इज बेनिफिशियल. सो देयर इज नाउ डिसएडवांटेजेस, देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द ट्रायल बैलेंस. सो लेट्स नो अबाउट दिस. सो एरर ऑफ प्रिंसिपल दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सो एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है कि हम रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंस लिख देते हैं, कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस. तो ये जो ट्रायल बैलेंस है उसे उन एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता. उसके बाद कंपेंसेटिंग एरर्स, कंपेंसेटिंग एरर्स जब एक एरर है वो नलीफाई कर देती है दूसरे इफेक्ट ऑफ एरर का. सो यहाँ पे कंपेंसेटिंग एरर्स आ गई. सो इसे भी ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता. उसके बाद आता आपका हम दोनों एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब दोनों साइड हम ट्वाइस टाइम, मतलब टू टाइम्स है वो रिकॉर्ड कर देते हैं. या उसके बाद हमारा रहता है पोस्टिंग करेक्ट अमाउंट इन करेक्ट साइड बट इन द रॉन्ग अमाउंट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द ट्रायल बैलेंस. सो दीज आर योर मेन डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस तो और भी बहुत हैं. सो लेट्स नो अबाउट सम मोर. सो यहाँ पे हमारे और आते हैं दैट ट्रांजेक्शंस कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट कैन नॉट बी डिटेक्टेड, वो डिटेक्ट नहीं कर पाता. सो रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्ड कर दी हमने बुक्स ऑफ द ओरिजिनल एंट्री एंड सेम अमाउंट है वही हमने डेबिट कर दी, वही हमने क्रेडिट कर दी. तो इसे भी ट्रायल बैलेंस है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता. सो लेट्स डू फॉरवर्ड. सो ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ द ट्रायल बैलेंस. सबसे पहले आता है हेड ऑफ द अकाउंट, उसके बाद LF दैट इज लेजर फोलियो, देन डेबिट अमाउंट, देन क्रेडिट अमाउंट. सो दिस इज द मेन फॉर्मेट ऑफ द ट्रायल बैलेंस. सो यू शुड नो अबाउट दिस. सो जब भी हमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना हो तो हमें क्या देखना है कि वो पर्टिकुलर डेट पे प्रिपेयर किया जाएगा. कहने का मतलब कि जो डेट टॉप पर लिखी होगी वो उसी डेट पर आपको वो प्रिपेयर करना है. उसके बाद कि सेकंड कॉलम आता है अब आपका लेजर फोलियो. सो लेजर फोलियो में हम पेज नंबर लिखते हैं लेजर अकाउंट्स का, या राइट. सो उसके बाद आता है थर्ड कॉलम हमारा डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस लिखी जाती है, उसके बाद क्रेडिट बैलेंस. सो ये टू कॉलम्स है, देन उसके बाद हम टोटल करते हैं. अब हमें उसके लिए ये पता होना चाहिए कि कौन सी अमाउंट, मतलब कौन सा जो अकाउंट है वो डेबिट साइड आएगा या फिर क्रेडिट साइड आएगा. सो आपको पता होना चाहिए. सो वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में. सो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, एंड बाय बाय, टेक केयर.